हाय गाइज एम वेलकम बैक टू माय चैनल तो मेरी स्किन आजकल बहुत ड्राई डल और लाइफलेस सी हो गई है बिकॉज मैं आजकल ट्रैवलिंग बहुत कर रही हूँ तो चलिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करती हूँ जिससे कि थोड़ी आपकी स्किन अगर ऐसी फील कर रही है तो थोड़ी रिजुविनेट हो जाएगी तो सबसे पहले तो गाइज ड्राई अ क्लेंजिंग बाम तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम गुडनेस की ई ल्यूमिनस क्लेंजिंग बाम बेसिकली क्लेंजिंग बाम्स हैव अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट ऑयल्स तो इसमें भी काफ़ी डिफरेंट ऑयल्स आपको मिल जाएंगे फेशियल ऑयल्स प्लस इसमें पैराबिन नहीं है वीगन है तो इसलिए मैंने ये यूज़ किया नथिंग मोर देन दैट एंड इट्स नॉट टेस्टिड ऑन एनिमल्स दैट्स द बेस्ट थिंग इसमें कनोबा वैक्स है जो कि ऑब्वियसली अगेन प्लांट डिराइव्ड वैक्स है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें एंड बाकी गाइस ये एक लूमिनॉसिटी देती है एंड प्लस आपका यू नो हैवी से हैवी मेकअप चाहे वो वाटर प्रूफ ही मेकअप क्यों ना हो सब निकाल देगा एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सप्पल लगेगी आपकी स्किन इसको लगाने के बाद वाटर प्रूफ मस्तारा वाटर प्रूफ लिपस्टिक एनी और सारी इम्प्यूरिटीज जो भी पल्यूटेंट्स आपके फेस पे होते हैं ये सब निकाल देगा श्योर sure आप अच्छे से मसाज करें इसे स्किन के अंदर बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है आई एम टेलिंग यू गाइस एंड इट्स वेरी वेरी सॉफ्ट सप्पल ऑन स्किन तो इसके बाद आप अपना नॉर्मल फेस वॉश कीजिए आपकी स्किन जो है बिल्कुल भी ड्राई नहीं लगेगी तो यहाँ पर मैं अपना ये आ, फाइबर क्लोथ यूज कर रही हूँ आजकल ये एक मेरी नई इन्वेंशन है कि मैं यू नो कॉटन पैड्स पे अब ज़्यादा वेस्टेज नहीं मचाती हूँ ऑब्वियसली आई फील कि यू you नो know, हम कॉटन पैड्स से एन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं आई नो मैं कुछ कुछ बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर रही हूँ बट वी कैन एटलीस्ट स्टार्ट और ऑब्वियसली इट्स बजट फ्रेंडली तो या yeah. सो so, अब मैं अपना फेस जो है वॉश कर लूँगी और आप देखिए एकदम से क्लीन चकाचक हो चुका है हमारा फेस सो so, दूसरी चीज़ यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ वो है फेस मास्क सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू हैव डल स्किन तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अगेन प्लम का कैमोमाइल एंड वाइट टी ग्लो गेट अ फेस मास्क सो गाइस फेस मास्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हफ्ते में एक बार ज़रूर अपने फेस की मास्किंग किया करें एंड uh, ये जो मास्क है ये मुझे इसलिए पसंद है बेसिकली क्योंकि ये आपकी जो स्किन है ना उसको बहुत ज़्यादा टाइट कर देता है एंड आपकी स्किन को ना ड्राई नहीं करता इट्स वेरी गुड फॉर ड्राई नॉर्मल सेंसिटिव स्किन एज वेल सो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से लेयर करें अपने फेस पे एंड अभी आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा ग्लो देता है आपके फेस पे थोड़ा सा आपके फेस पे ना जलेगा थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन देगा आपके फेस पे डरिएगा दर, मत घबराइएगा मत इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है गाइज बेसिकली मैं प्लम के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहती थी काफ़ी लंबे समय से क्योंकि आप लोग मुझे हर तीसरे कमेंट में ये बोलते हो कि प्लीज़ आप प्लम गुडनेस के प्रोडक्ट्स यूज़ कीजिए एंड मैंने यूज़ किया एंड आई एम जेनली सेइंग इट्स अ वेरी वेरी गुड कंपनी और बहुत अच्छा सा इसने लाइक यू नो जो जो तीन प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं तीनों के तीनों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं तो मेरा मास्क जो है इसको दस से बीस मिनट आपको रखना है अब ये सूख चुका है और अगेन आई एम यूजिंग द वेट क्लोथ जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है ये फाइबर क्लोथ है एंड इससे मैं अपना जो फेस मास्क है साफ़ करूंगी मैं यहाँ पे आपके सामने क्लियर रिजल्ट्स इसके दिखा रही हूँ कि कितने ज़्यादा इसके रिजल्ट्स क्लियर है ये देखिए कितनी क्लीन और ब्राइटन हो जाएगी आपकी इसके जो लोग मुझसे पूछते हैं ना कि प्लीज़ गोरा होने के लिए कुछ बताइए आप ये मास्क ट्राई कर लीजिए आप कुछ देर के लिए गोरे हो जाएंगे आई एम किडिंग आपका फेस जो है ब्राइटन होगा काफ़ी हद तक ब्राइटन होगा आप किसी फंक्शन पार्टी में जाना चाहते हैं तो ये मास्क ट्राई कीजिए एंड ऑल्सो बिफोर मेकअप ये मास्क जरूर ट्राई कीजिए आपके जो पोर्ज है बिल्कुल टाइटन हो जाएंगे बहुत ही अच्छी फीलिंग आएँगी देखिए कितना ज़्यादा फेस क्लीन लग रहा है एंड uh, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है बिलीव में तो मैं अपना फेस जो है नॉर्मल वाटर से वॉश कर लूँगी एंड नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं ऑब्वियसली फेशल ऑयल के साथ सो गज लुक एट द रिजल्ट इसको आप नॉर्मल वाटर से फिर धो लीजिए नॉर्मल वाटर से धोइएगा एंड मेक श्योर sure पानी जो है बहुत गर्म ना हो हमेशा अपने फेस को कोल्ड वाटर से धोइए तो देखिए क्लियर रिज़ल्ट क्लियर विजिबल रिज़ल्ट कितने अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं बहुत ही अच्छा मास्क है डू ट्राई इट एंड चलिए थर्ड स्टेप फॉलो करते हैं मॉइस्चराइजेशन के साथ तो यहाँ पर मैं यूज़ रही हूँ अगेन प्लम का ग्रेप सीड एंड सी बक्तौन फेशियल ऑयल सो यू नो दिस डेज आई एम इन लव विद फेशियल ऑयल्स तो मैं तरह तरह के फेशियल ऑयल्स डिस्कवर कर रही हूँ एंड इसको भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिले हुए हैं फाइव स्टार इसको मिले हैं एमेज़ोन पर भी तो इसलिए एंड गाइस मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे और भी फेशियल ऑयल्स की रिकमेंडेशन दीजिए कि कौन सा मैं ट्राई करूँ सो so गाइज आजकल कल uh, मैं सोच रही हूँ कि यू नो मोरिंगा ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस है तो मैं कुछ वो भी ट्राई करना चाहती हूँ एंड गाइज दिस वन दिस वन इज़ लिटली वेरी वेरी गुड फॉर ड्राई स्किन इफ़ यू हैव ड्राई स्किन सो डू ट्राई दिस फॉर ड्राई स्किन बट इसके अंदर फ्रेगरेंस भी है सो बी अवेयर ऑफ दैट एज वेल सो इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन सो प्लीज़ इसको ध्यान से यूज कीजिएगा क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस है तो मे भी आपकी यू you नो know, uh, अगर बहुत सेंसिटिव स्किन है तो ये थोड़ा सा रिएक्ट कर सकता है तो मेक श्योर sure. उसके अलावा इसके अंदर जो है विटामिन सी है विटामिन ई e है कैरेटिनोइड्स है और असेंशियल फैटी एसिड्स है जिसकी वजह से मैंने इसे यू नो लिया एंड इट्स इट्स रियली रियली गुड मुझे तो अपनी स्किन पे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरी स्किन टोटली नॉन सेंसिटिव है वी कैन से दैट मेरी स्किन बहुत कुछ बेयर कर लेती है तो मैं ज़रूरी नहीं है कि जो मेरी स्किन बेयर करती है आपकी स्किन भी बेयर करे तो इट्स जस्ट अ रिकमेंडेशन्स अगर आपकी uh, स्किन भी ड्राई है एंड यू नो स्ट्रॉन्ग है काफ़ी चीज़ें हैंडल कर सकती है तो यू कैन गो फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने स्किन के साथ यू नेवर नो कि क्या आपकी स्किन पर बहुत अच्छे से चला जाए तो बेसिकली यहाँ मैं मसाज करूँ आप देख रहे हैं जब भी ऑयल लगाएं तो आप मसाजिंग ज़रूर करें अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा अच्छी होती है आपकी स्किन के लिए लोगों को लगता है कि क्या है मसाज से क्या हो जाएगा मसाज से बहुत चीज़ें हो जाती है ये वुड एन रोलर इट्स एन अमेजिंग टूल मैं आप सबको बोलूँगी इसमें इन्वेस्ट जरूर कीजिए एंड ये आपकी जॉ लाइन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है गाइस तो मेक श्योर sure कि आप सबके पास एक ऐसा टूल होना चाहिए बहुत ही सस्ता सा टूल है कोई भी इसमें बहुत महंगी चीज़ नहीं है बहुत सस्ता है एंड एंड में लगाइए अपनी सनस्क्रीन एंड यू आर डन तो ये बेसिकली ड्राई लाइफलेस स्किन के लिए है एंड अगर आप मेकअप भी यू you नो know, करते हैं तो उससे पहले आप ये स्किन केयर फॉलो कर लीजिए आपका मेकअप बहुत ही फ्लॉलेस जाने वाला है आई अर श्योर यू देट चलिए तो उसके बाद हम लगा लेते हैं अपनी लिप ग्लॉस ये है वो लिप ग्लॉस गाइज जो आप हमेशा मुझसे पूछते हो कि आपने क्या लगाया कौन सी लिपस्टिक लगाए दिस इज बेसिकली अ कलर चेंजिंग लिप ग्लॉस जो कि मैंने लोकल मार्केट से ली थी एंड ये ऑनलाइन अगर मुझे कहीं दिखी तो मैं इसका लिंक ज़रूर शेयर करूंगी बट मुझे ये वैसे दिखी नहीं है कहीं भी इसकी बजाय वो लिपस्टिक्स दिखी हैं जो कलर चेंज करती हैं तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी अगर आप लोग को देखना है तो आप चेक कर सकते हो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सो ये बेसिकली बहुत ही अच्छी लिप ग्लॉस है आपकी लिप्स को बहुत प्लम्पी सी बना देती है एंड पिंकी बना देती है जैसा कि आप देख सकते हैं सो so गाइज मैं अभी आ, कुछ दिनों से वीडियो नहीं शेयर कर पा रही थी बिकॉज ऑब्वियसली यू नो मैं थोड़ी ट्रैवलिंग कर रही थी एंड uh, मैं स्किन केयर भी नहीं फॉलो कर मेरी स्किन काफ़ी ड्राई डल लग रही है मुझे एंड बट नहीं अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी काफ़ी वीडियोस एंड दिस वाज़ द फाइनल रिजल्ट एंड ऑल द थ्री प्रोडक्ट्स आर गुड यू कैन ट्राई दीज प्रोडक्ट्स है दिस इस अ वीडियो अगर अच्छी लगी लाइक दीजिए एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लव यू बाय